आज मैं आप सभी के साथ बेकिंग से रिलेटेड ये ब्यूटीफुल से दिखने वाले कपकेक लाइनर्स को बनाने का मेथड शेयर करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हुए जैसे डिजाइन के चाहें कपकेक लाइनर बना सकते हैं और एक स्मार्ट तरीका बताऊंगी इनको स्टोर करने का। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे आसान तरीका कपकेक लाइनर्स बनाने का, उसके ऊपर डिजाइन बनाने का आपने पहले कहीं नहीं देखा होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो फ्रेंड्स, कपकेक लाइनर्स बनाने के लिए आपको चाहिए होंगे कुछ पेपर्स। तो मैंने यहाँ व्हाइट, पिंक और ग्रीन कलर का पेपर लिया है। फ्रेंड्स, ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको जो भी पेपर लेना है कपकेक लाइनर के लिए, वो थोड़ा पतला हो। इस तरीके के मार्केट में रजिस्टर आते हैं, इनके पेपर पतले होते हैं। A4 साइज का पेपर मोटा होता है, तो आप वो ना लें। आप पेपर लें और उसे इस तरीके से फोल्ड कर लें। इस पेपर से मैं 6 कपकेक लाइनर बनाऊंगी। तो इस तरीके से मैंने देखिए इसे फोल्ड कर लिया है। अब हम फ्रेंड्स इसका एक सर्कल काटेंगे। तो स्केल से आप इस तरीके से मेज़र कर लीजिएगा, आपको 5.5 यानी कि 5.5 सेंटीमीटर का इसमें रेडियस लेना है और इसी रेडियस से आपको ये सर्कल बनाना है। इस मेजरमेंट से फ्रेंड्स मीडियम साइज का कपकेक लाइनर बनता है, लेकिन अगर आप बड़े साइज का बनाना चाहें तो आप 5.5 की जगह 6.5 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। सीजर से इस तरीके से सर्कल को हम कट कर लेंगे। ये देखिए 6 हमारे रेडी हो गए हैं। इसी तरीके से मैं ग्रीन कलर के सर्कल्स भी कट कर लूंगी और इसी तरीके से मैं व्हाइट पेपर वाले सर्कल भी कट कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के सर्कल्स यहाँ पर आ चुके हैं। चलिए अब इन पर डिजाइन बनाते हैं। तो व्हाइट पेपर के ऊपर आप स्केच पेन को यूज करके डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन बना सकते हैं। देखिए मैं यहाँ फ्लावर का डिजाइन बना रही हूँ। कहीं कहीं पर आप ये बना दीजिए, कितना ब्यूटीफुल ये लगता है। इसी तरीके से आप अलग अलग कलर से स्टार शेप्स या जो भी आपको डिजाइन पसंद हो आप बना सकते हैं। कुछ टॉफीज मैं बना रही हूँ, ये देखिए ये बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को यूज करके आप इन्हें ट्राई कर सकते हैं। इसी तरीके से फ्रेंड्स आप लाइंस वाले कपकेक लाइनर्स भी बना सकते हैं। उसके लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की इस तरीके से स्केल से लाइन खींचनी होगी। ये देखिए मैं ब्लू कलर की जैसे लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ, 3-3 के बैचेस में। और बस अब इसको ट्विस्ट करके अलग रंग से मैं एक और लाइंस ड्रॉ कर दूंगी। ये देखिए, तो इससे हमारा कपकेक लाइनर वाला रेडी होगा। इसी तरीके से देखिए मैं पिंक पेपर पर भी लाइंस ड्रॉ कर देती हूँ, ये भी हमारा अलग सा पैटर्न रेडी हो जाएगा। आप चाहें तो फ्रेंड्स इस तरीके से सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं। देखिए मैं स्माइली वाला डिजाइन भी बना रही हूँ। आप जो चाहें कलर यूज कर सकते हैं। ये जस्ट मैं आपको एग्जांपल दिखा रही हूँ कि आप क्या क्या पैटर्न, क्या क्या डिजाइन अपने कपकेक लाइनर्स पर बना सकते हैं। फ्रेंड्स, आप चाहें तो पोलका डॉट वाले कपकेक लाइनर भी बना सकते हैं। उसके लिए आपको पेपर पर इस तरीके से डॉट्स बनाने होंगे। तो आप कोई भी लिक्विड कलर यूज कर लीजिएगा, इस तरीके से ईयरबड ले लीजिएगा और उससे इस तरीके से डॉट्स बना दीजिएगा। इसको ड्राई कर लीजिएगा और आपका कपकेक लाइनर का जो पेपर है वो रेडी हो जाएगा। ऐसे ही मैं पिंक कलर पर देखिए व्हाइट डॉट्स बना देती हूँ। पोलका डॉट के लाइनर्स बहुत सुंदर लगते हैं फ्रेंड्स। इसी तरीके से मैं व्हाइट पर ब्लैक डॉट्स लगा देती हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने कितने सारे डिजाइन और कितने सारे पैटर्न्स यहाँ ड्रॉ कर लिए हैं। चलिए अब इन्हें फोल्ड करना सीखते हैं। पहले आपको पेपर लेना है सर्कल वाला, उसको ऐसे टर्न करना है 2 बार और जो फ्रेंड्स कॉनिकल साइड है वहां पर स्केल से 2 सेंटीमीटर का मेजरमेंट करना है और उसे इस तरीके से फोल्ड कर देना है। अब जो बचा हुआ बड़ा पार्ट है वहां पर हम स्केल से कुछ लाइन्स ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। ऐसा करने से हमें फोल्ड करना आसान हो जाएगा। दूसरा फ्रेंड्स, हम जो फोल्ड करेंगे वो हमारे सारे फोल्ड एक जैसे आएंगे, जैसे कि हमारा कपकेक लाइनर ब्यूटीफुली रेडी होगा। तो आपको इस तरीके से स्केल से लाइंस खींच देनी है, जस्ट हल्का सा प्रेस कर देनी है। अब जो बड़ा पार्ट है जहाँ पर हमने ये लाइंस खींची हैं वहाँ इस तरीके से हम जिगजैग करते हुए इस पेपर को फोल्ड करेंगे, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। ध्यान रखिएगा आपने जो लाइंस खींची हैं जिनका प्रेस करके आपने डिज़ाइन बनाया है आप उसी के ऊपर फोल्ड करें। फ्रेंड्स, जो बड़ा वाला सरफेस है ऊपर वाला वहाँ पर मोटा फोल्ड होगा और जो नीचे कोनिकल साइड वाला सरफेस है वहाँ पर फोल्ड पतला होगा। ये देखिए इसी तरीके से हम इस पूरे पेपर को फोल्ड कर देंगे। लगभग 5.5 सेंटीमीटर के साइज में 10 से 11 फोल्ड आ जाते हैं।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अच्छे से मोड़ लिया है। अब हम थोड़ी देर इसे होल्ड करके रखेंगे ताकि ये फोल्ड जो है अच्छे से आ जाए। अब हम फ्रेंड्स जो हमने 2 सेंटीमीटर का मार्क किया था वहाँ ऐसे ही वापस से इसे फोल्ड करेंगे ताकि हमारा पैटर्न बिगड़े नहीं, और इसे बस हम ओपन कर लेंगे। बहुत ही केयरफुली आप इसे ओपन कीजिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, अब जो हमारा गोल सरफेस वाला पार्ट था वहाँ नेल्स की मदद से हम प्रेस कर देंगे ताकि हमारा जो सर्कल है जो थोड़ा बिगड़ गया है वो प्रॉपर अपनी शेप में आ जाए। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा कितना प्यारा लाइनर रेडी हो गया है। पीछे से भी मैं इसे थोड़ा ऐसे प्रेस कर देती हूँ ताकि इसकी शेप मेंटेन रहे। लीजिए फ्रेंड्स, आपका घर का बना हुआ पेपर का कपकेक लाइनर रेडी हो गया है। ये देखिए कितना परफेक्ट और ब्यूटीफुल ये लग रहा है, कोई कह ही नहीं सकता इसे आपने घर में बनाया है। ऐसे ही देखिए मैंने पिंक कलर का बना करके रेडी किया है, और ऐसे ही मैंने देखिए ये ब्लू कलर का रेडी किया है। ये प्लेन पेपर के हैं फ्रेंड्स, तो ये थोड़े प्लेन लग रहे हैं। तो चलिए अब हम डिज़ाइन वाले कपकेक लाइनर्स को बनाते हैं। तो मैंने ये डिज़ाइन वाला वाइट पेपर ले लिया है जिस पे हमने फ्लावर ड्रॉ किया था, और बिल्कुल जैसे हमने पहले फोल्ड किए थे वैसे फोल्ड किया। कॉनिकल साइड से हम 2 सेंटीमीटर नाप लेंगे, वहाँ से इसे फोल्ड कर देंगे। स्केल की मदद से बड़े वाले पार्ट पर कुछ लाइन्स ऐसे ड्रॉ कर देंगे ताकि हमें फोल्ड करने में आसानी हो, हमारे सारे फोल्ड बराबर बैठें। और बस इस तरीके से ज़िगज़ैग करते हुए हम इस पूरे पेपर को फोल्ड कर देंगे। फ्रेंड्स, इन्हें बनाना बहुत ही आसान है, तो जब आपके पास समय हो इस तरीके से सर्कल काट लीजिए, उन पे डिज़ाइन बना लीजिए, और टीवी देखते देखते ही आप इन्हें ऐसे फोल्ड कर लीजिए। आपके ढेरों कपकेक लाइनर रेडी हो जाएंगे। पेपर को फोल्ड करने के बाद फ्रेंड्स थोड़ी सी देर आप होल्ड करके रखिएगा ताकि जितने भी हमने फोल्ड बनाए हैं वो प्रेस हो जाए। इसे अनफोल्ड कर लीजिएगा, नेल्स की मदद से इसको प्रॉपर शेप दे दीजिएगा, और आपका डिज़ाइनर कपकेक लाइनर भी कुछ ही मिनटों में देखिए बन करके रेडी हो गया है। इसी तरीके से आप बाकी के लाइनर्स को भी बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं हमारे पोल्का डॉट्स वाले डिजाइनर कपकेक लाइनर्स को। ये देखिए ये ग्रीन वाला कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, ये व्हाइट वाला ब्लैक डॉट वाला, और ये हमारा पिंक वाला, लग रहे हैं ना कितने ब्यूटीफुल ये हमारे लाइंस वाले। इसी तरीके से फ्रेंड्स आप डिफरेंट डिफरेंट डिजाइंस के खूब सारे कपकेक लाइनर्स बना सकते हैं, और आप चाहें तो फ्रेंड्स इस तरीके से इन्हें बना करके स्टोर कर सकते हैं एक के अंदर एक डाल करके। लेकिन इस तरीके से रखने से ये गंदे हो जाते हैं, कभी कभी इनके फोल्ड्स खुल भी जाते हैं। तो आपको मैं एक और तरीका बताती हूँ, जब आप पेपर को फोल्ड कर लें तो उसे खोले नहीं। इस तरीके से देखिए मैंने कितने सारे ये बना करके रखे हैं। तो जब भी फ्रेंड्स आपके पास टाइम हो आप पेपर को कट करके डिज़ाइन बना करके इस तरीके से फोल्ड कर लीजिएगा, और जब आपको ज़रूरत हो उसी समय आप इसे अनफोल्ड कर लीजिएगा। कुछ सेकेंड में आपका ये कपकेक लाइनर रेडी हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी कि आप पेपर को इस तरीके से फोल्ड करके स्टोर करके रखिएगा। ऐसा करने से ये ना तो गंदे होते हैं, साथ ही इनके फोल्ड्स भी बिल्कुल ऐसे ही रहते हैं। मैंने इस तरीके से प्लास्टिक के डब्बे में बना करके स्टोर करके रखती हूँ, और मुझे जब भी जितनों की ज़रूरत होती है मैं उसमें से निकाल करके फटाफट से उसे अनफोल्ड कर लेती हूँ। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, लीजिए हमारे कुछ ही मिनटों में कितने सारे ये डिज़ाइनर्स कपकेक लाइनर रेडी हो गए हैं, आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ इन कपकेक लाइनर्स को कैसे यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, एक बाउल में मैंने 1 कप केक प्रीमिक्स डाला है, रेड वेलवेट वाला। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, थोड़ा सा दूध डाल देंगे, और इसका एक स्मूथ सा बैटर बना लेंगे। फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल पर केक प्रीमिक्स का वीडियो पहले ही शेयर कर चुकी हूँ, आप उसे ज़रूर देखिएगा। कपकेक लाइनर पर ब्रश से थोड़ा सा ऑयल लगा लें, इसे इस तरीके से किसी भी मोल्ड में डाल दें ताकि इनकी शेप ऐसी ही बनी रहे। अब हम अपने बैटर को एक पाइपिंग बैग की मदद से इसके अंदर फिल कर देंगे। ऐसा करने से फ्रेंड्स हमारे सारे कपकेक्स में बैटर इक्वली डिवाइड हो जाएगा और कुछ भी मैसी नहीं होगा। तो लीजिए फ्रेंड्स, मैंने बैटर को फिल कर दिया है, अब हम इसे एक बेकिंग ट्रे में रख लेते हैं। डेकोरेट करने के लिए आप इनके ऊपर कुछ चोको चिप्स स्प्रिंकल कर सकते हैं। अब हम फ्रेंड्स 180 डिग्री प्रीहीटेड ओवन में इसे 15 से 20 मिनट्स तक बेक करेंगे, और ये देखिए फ्रेंड्स कुछ ही मिनटों में हमारे कपकेक्स रेडी हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, देर किस बात की, आज ही बना लीजिए ये कपकेक लाइनर्स और फिर कपकेक्स, और बच्चों को कर दीजिए खुश। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं फिर मिलूंगी फ्रेंड्स आप सभी के साथ एक नई रेसिपी या फिर एक नए वीडियो या फिर एक नए DIY के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।